तो दोस्तों HDFC बैंक ऐप से लास्ट 5 मंथ की ट्रांजैक्शन कैसे देखें, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको HDFC बैंक का जो ऐप है उसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बिल पेमेंट्स, मनी ट्रांसफ़र, एड पे, स्कैन एंड पे, रिचार्ज और UPI पेमेंट, और यहाँ पर है सेविंग अकाउंट का ऑप्शन, और इसी के बाद यहाँ पर एक एरो टाइप का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इसी जो एरो टाइप का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा लास्ट 5 मंथ्स की ट्रांजैक्शन देखने के लिए। तो इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन आता है स्टेटमेंट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टेटमेंट का ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा। तो सिंपली अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आपको लास्ट 5 मंथ की ट्रांजैक्शन देखना है तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट का ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की हैं वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आपको लास्ट 6 मंथ की देखना है या फिर 5 मंथ की देखना है तो यहाँ पर टैप करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, करेंट मंथ, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ, और यहाँ पर सिलेक्ट रेंज। जैसे कि आपको 5 मंथ की देखना है तो यहाँ से आप रेंज सिलेक्ट करके 5 मंथ की ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, या फिर 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, या फिर आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन की है सारे ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आसानी से आप HDFC बैंक के सारे जो ट्रांजेक्शन है वो आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।